हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर 9, जनरल पार्ट नंबर 5 इज द रिवीजन पार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस के अंदर पार्ट नंबर 4 में हमने सम स्पेशल बेसिकली गुड्स के रिगार्डिंग में गुड्स गिवन एज द चैरिटी एज द ड्राइंग्स एज वेल द फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यू एंड आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एज वेल सैंपल एंड एडवर्टीजमेंट एंड आल्सो थेफ्ट बाई एनी गुड्स थेफ्ट एंड द मे बी गुड्स डिस्टर्ब बाई फायर आल्सो डिस्ट्रीब्यूट मे बी गुड्स रिगार्डिंग के क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम लास्ट वीडियो लेके चल रहे हैं जनरल के रिगार्डिंग में, दो हम इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे और आई होप दैट ये बिल्कुल अच्छी तरह से लेसन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, चलो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 27 लेते हैं। 27, 28 में सारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली पूरा लेसन क्लैरिफाइड हो जाएगा आपको। तो देखिए सबसे पहले 27, एक एक एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल राइट डाउन द जर्नल अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, फॉर्मेट में डेट पर्टिकुलर्स LF एंड द टू साइड्स डेट पर्टिकुलर्स एंड दिस इज द LF एंड दिस साइड इज द डेबिट एंड दिस साइड इज द क्रेडिट एंड अमाउंट इन रुपीज एंड इज आल्सो द अमाउंट इन रुपीज। ओके, तो देखिए सबसे पहले डेट इफ द गिवन नोट गिवन द राइट डाउन द नेम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है देखिए, रिसीव्ड ए वी पी पी, वी पी पी का फुल फॉर्म क्या होता है, वैल्यू पेबल एट पोस्ट। हमने कोई बाई पोस्ट से कोई भी वस्तु मंगवाई है तो वैल्यू पेबल एट पोस्ट, जब पोस्ट होगा तो उसकी वैल्यू को पेड करना होगा, तो इसका मतलब आपने वो माल खरीदा है, खरीदा तो आपके पास आएगा तो आपको पैसे देना होगा। चलो जी, वैल्यू पेबल पे हमने एक वी पी पी ली थी राम से 20,000 रुपये की एंड सेंट पियोन द कलेक्टेड हु पेड 150 द कार्टेज, हमने उसको फिर कार्टेज भाड़ा दिया, वो लेके आया तो हमने उसको भाड़ा दे दिया, कितने का माल था 20,000 का। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, लाने पर भाड़ा दिया उसको, कार्टेज आल्सो अकाउंट डेबिट, 20,000 का माल था, 150 भाड़ा था, तो 2 हमारी जेब से कितना गया, 2 कैश अकाउंट की, उसने लिखा पेड 20,150 रुपये। एंटर नंबर सेकेंड, पेड 3,000 फॉर द सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबिंग फॉर ए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, आपने मैगजीन और न्यूज़पेपर खरीदे हैं और उसकी पेमेंट की है। देखिए जब नहीं पता लगता तो हम वर्ड लिख देते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू जिस मैगजीन न्यूज़पेपर एटसेट्रा और आपसे पैसा गया है टू कैश अकाउंट, कितना रुपए मिसलेनियस न्यूज़पेपर एटसेट्रा एंड द पैडिकल्स वगैरह 3,000 रुपीज में आपने खरीदे तो 3,000 रुपये आपसे गए। एंट्री नंबर थर्ड, रिसीव्ड 500 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अब यहाँ पर मैगजीन न्यूज तो मिसलेनियस रिसिप्ट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर माना था, तो अब पैसा आ रहा है आपके पास कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम्स विविध आय, आपके पास कितनी मिली 500 रुपये। ओके, नेक्स्ट, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम द ओल्ड चेयर्स एंड टेबल्स, आपने बेची, बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ओल्ड चेयर एटसेट्रा, हमने बेची फर्नीचर गया पैसा आया, अमाउंट इज रिसीव्ड 10,000, टोटल 20, 150, 3,000, 10,000 और 500 रुपये, तो 20 और 23, 10, 33, 33,650 रुपये, 33,650 रुपये, दिस इज द कैरी फॉरवर्ड। ओके, 20, 150, 500, 650, 23 और 10, 33,650 रुपये। नेक्स्ट, उसके बाद हमने एक लोन ले रखा था, उसका इंटरेस्ट दिया, तो भैया इंटरेस्ट तो पेड करना पड़ेगा तो आपसे पैसे जाएंगे, तो सबसे पहले तो ये कैरी फॉरवर्ड को आप ब्रॉड फॉरवर्ड बना दीजिए, फिर उसके बाद फिफ्थ एंट्री को लिखेंगे, बनाइए कैरी फॉरवर्ड को ब्रॉड फॉरवर्ड। और नंबर फिफ्थ, पहले
आपका अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होके कितना आया है, 33,650 रुपये, 33,650 रुपये। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंसेस हैं आपके, खर्चा है, देना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। कितना इंटरेस्ट लोन पेड किया हमने, दिस इज द पेड बाई ओनली 6,000 रुपीज, 6,000 रुपये हमने इंटरेस्ट लोन पेड किया। नेक्स्ट सिक्स्थ, विड्रॉ गुड्स फ्रॉम द पर्सनल यूज। अब देखिए विड्रॉन, विड्रॉन को ड्राइंग्स कहते हैं। नगद निकाले, कैश चेक निकाले तो बैंक से, और टू गुड्स निकाले है तो टू परचेज। तो उसने माल को निकाला है, विड्रॉन किया है, परचेज हाउ मैनी अमाउंट विड्रॉइंग द 8,000 रुपये। सेवंथ क्या दे रखे है आपको, देखिए गुड्स स्टोलन, चोरी हो गई तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज अकाउंट। माल गया है आपका, हाउ मेनी अमाउंट इज द 48,000। उसके बाद नेक्स्ट, लॉस बाय फायर, एट्थ लॉस बाय फायर, आग लगने से, और टू परचेज, कितने का माल जलकर राख हो गया, हमारा माल जलकर राख हो गया है लॉस बाय फायर 1,60,000 रुपये का। और नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू एक्स टू क्रेडिट, एक्स को माल बेचा तो एक्स अकाउंट नहीं लगाना, एक्स डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने का माल बेचा एक्स को, 6,00,000 रुपये का। फिर वही कैरी फॉरवर्ड, और उसको ब्रॉड फॉरवर्ड बनाना है। कैरी फॉरवर्ड में 8,55,650, 8,55,650 ओके। इसी को फिर हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड फेल ले आएंगे, यहाँ पे 8,55,650 रुपये। ये भी इधर से हमने ये कर दिया, नो हो चुकी है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 10 होगी, 8,55,650 रुपये, 8,55,650 रुपये। टेंथ, एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड सोल्ड टू हिम, सेल्स रिटर्न होगी भाई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स, 6,00,000 का 1/6, 1,00,000 का माल वापस लौटा दिया आपका। सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। 11th, एक्स सेल्स इज अकाउंट फॉर द डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट ऑफ द पेमेंट, एक्स सेटल्स इज अकाउंट। अब देखो एक्स अकाउंट अपने सेटल्ड करना है 10% डिस्काउंट में। देखो बहुत ही ईजी है, 6,00,000 का माल था, 1,00,000 का वापस आ गया तो बच गया कितना, 5,00,000 का। एक्स से बोले हम 10% तेरे को डिस्काउंट देंगे और आप पेमेंट कर दो, तो कैश अकाउंट डेबिट 5,00,000 का 10% अगर डिस्काउंट अलाउड करता हूँ तो मैं 50,000 रुपये का डिस्काउंट होगा, हमें रुपए कितने मिलेंगे, 4,50,000, और देने वाला कौन है, 2x है, 5,00,000 रुपये। ओके, 12th है कि आपने सैलरी पेड की है, कितने रुपए सैलरी है, देखे यहाँ सैलरी कहता है 80,000 तो नगद दी है, आउटस्टैंडिंग 20,000, तो सैलरी थी कितनी, सैलरी है 1,00,000, 2 कैश अकाउंट है, 2 आउटस्टैंडिंग, जो नगद दे दी वो यहाँ लिख दो 80,000, और जो नहीं दी है वो देनी पड़ेगी 20,000। एंड लास्ट 13th, क्या दे रखा है लास्ट में, 13th में दे रखा है कि आपने पेड इनकम टैक्स 80,000 बाई चेक। अब देखिए इनकम टैक्स जस्ट लाइक द ड्राइंग, तो यहाँ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स ड्राइंग होगा, और टू चेक से दिया है तो टू बैंक 80,000। उसके बाद हमारा टोटल और क्वेश्चन कंप्लीटेड हो जाएगा, और ये अमाउंट आ रहा है 16,35,650 रुपये, 16,35,650 रुपये, इधर भी 16,35,650 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर पिछले पूरे लेसन की समरी आ चुकी है, काफ़ी एडजस्टमेंट आ चुकी है, काफ़ी जर्नलिज्म एंट्री आपकी आ चुकी है इजीली,
और एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं जिसमें अच्छी तरह से और क्लैरिफाइड हो जाएगा किस प्रकार से जर्नलिज्म एंट्री और फिर लेसन आपका कंप्लीटेड। चलो जी एक इलस्ट्रेशन और ले लें, इलस्ट्रेशन नंबर 28। देखिए 28 में क्या है, रिश्यूड एन ऑर्डर फॉर द गुड्स ऑफ द 120,000 मे बी द एज वेल एज। देखिए 1 अप्रैल को ये फॉर्मेट, ये पर्टिकुलर्स, ये LF, ये दो साइड, दिस इज द डेट, दिस तारीख को पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, दिस साइड द डेबिट, दिस इज द क्रेडिट एंड द अमाउंट इन रुपीस। 1 अप्रैल को आपके ऑर्डर मिला और ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती है, देर इज नो एंट्री। ओके नेक्स्ट 3 तारीख को हमने रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ द मे बी एट द 5 लाख विड्रो द चेक 180 एडवांस। उसने एडवांस कितना दिया है, हमने उस ऑर्डर का मतलब नहीं है, हाउ मैनी अमाउंट रिसीव्ड है, हमें वो चेक मिला है बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है उसका नाम लिख देंगे, 1,80,000 रुपये का, केवल जो पैसा मिला उसकी एंट्री करते हैं, क्योंकि मोनिटरी एस्पेक्ट्स पे आप बह रहे थे टू रणबीर एंड कंपनी, जो एडवांस मिला है ठीक है 5 लाख का 10 लाख का जो भी है, लेकिन हमारे पास आए कितने हैं वो हमारे लिए मायने रखता है। नेक्स्ट 7 अप्रैल को, 5 अप्रैल को इसने क्या कर दिया, फिर 3 अप्रैल को, 5 को क्या करता है कि हमने उसका ऑर्डर लिया और उसको 2.5 लाख रुपए उसने पेड क्या किया, 1 लाख रुपीस। 5 अप्रैल को किसको से एडवांस हमने ऑर्डर दिया है और हमने कितना एडवांस दिया उसको, 1 लाख रुपये, और किसको दिया है ऑर्डर हमने, कोहली एंड सन्स को। देखिए ये हमें मिला था, हमने ऑर्डर दिया किसको, कोहली एंड सन्स पे, कितने का दिया वो मायने नहीं, हमने कितना रुपया दिया टू बैंक या कैश, तो हमने चेक काट के दे दिया कोहली एंड सन्स को 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे देखिए आपको रिसीव्ड हुआ है एक ऑर्डर, यहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस्ड किया है 1 लाख रुपीज़ का, उसके बाद कितने का माल खरीदा हमने, 2.5 लाख रुपये का माल खरीदा, तो जो माल खरीदा उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, अभी इसका पैसा दिया नहीं है, कोहली एंड सन्स का, और कितने का था, 2.5 लाख रुपए का ठीक है, बाद में इसकी पेमेंट कर देंगे। हमने क्या किया, इसका 60% की पेमेंट की, इस अमाउंट की 60% की जब पेमेंट करेंगे तो 2.5 लाख का 25,150 ठीक है, 60% की हमने पेमेंट कह रहा है, लेकिन 1 लाख तो हमने एडवांस पहले ही दे दिया इसको, तो 2.5 लाख में 1 लाख गए तो बच गए कितने, 1,50,000, 1,50,000 का 60% की आप पेमेंट कर रहे हैं, तो कोहली एंड सन्स टू बैंक 90,000 रुपये, पता गया 90,000, 2.5 लाख का माल था, 1 लाख पहले दे चुके तो 1.5 लाख बच गया, 1.5 लाख का 60% आप दे दिया 90,000 और बच गया 60,000, वो नेक्स्ट बाद में करेंगे। 15 अप्रैल को माल जलकर राख हो गया, कितने का, देखिए कुछ फर्नीचर थी और कुछ माल था, डिस्टोर्ड होगा, 20,000 का तो माल जल गया और 10,000 रुपये का फर्नीचर जल गया, तो एंट्री लॉस बाय फायर एंड टू परचेज, माल जला है और टू फर्नीचर, कितने का जला, 30,000 का, कितने का परचेज और फर्नीचर, 10,000 रुपये का है योर टोटल, दिस अमाउंट इज द कैरी फॉरवर्ड, दिस इज योर ब्रॉड फॉरवर्ड, जो भी आपके पास टोटल आता है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री वही LF एंड द पर्टिकुलर में, नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 रुपये वर द डैमेज्ड ऑन द ट्रांजिट वर द क्लेम वर द मेड इन द रेलवे ऑथराइजेशन फ्रॉम द सेम। तो देखिए आपको रेलवे क्लेम जो था उससे हमें मिला है, तो कितना था रेलवे क्लेम, क्लेम मेड ऑफ द गुड्स डैमेज्ड इन द ट्रांजिट, रास्ते में जो हुआ था, तो हम एंट्री करेंगे रेलवे क्लेम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, उस रेलवे से क्लेम करेंगे जो कि, और लेकिन माल तो नुकसान हो गया है, कितना नुकसान होगा बाद में ठीक है, रेलवे उसका क्लेम देगी 50,000 रुपीज का। नेक्स्ट हमारे पास
पैसा किस प्रकार से देखा, ध्यान देना। ये कहता है कि रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्समैन 60,000 गुड्स सोल्ड बाय हिम एंड डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000 रुपए। तो हमारे पास कितना रुपए माल बिका है, कैश अकाउंट डेबिट और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का 4,000 रुपए है। तो ये तो भाई खर्चा है, तो कैश अकाउंट डेबिट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल कितनी हो 64,000 रुपए, कैश कितना 60,000 रुपए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना 4,000 रुपए। ओके, उसके बाद आपने माल खरीदा किससे, रिसीव्ड फ्रॉम द चेक फ्रॉम द छोटे सोल्ड गुड्स। हाँ, विशेष कॉस्टिंग 40,000 द प्रॉफिट ऑफ द 25%, 40,000 का 25% कितना होता है, 25 × 10 50,000 रुपए। फिर अलाउड हिम द 10% ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 का 10% 5,000 हो गया, तो वो हो गया भाई 45,000 रुपए। और उसमें से 1,000 रुपए क्या किया, चार्ज फ्रॉम द कार्टेज, तो 46,000 रुपए हो गए। तो देखिए विशेष डेबिट टू कितने का माल बेचा, उसको सेल किया है वो 45,000 रुपए का, और टू कैश जो कार्टेज था 45,000 रुपए, 1,000 रुपए और विशेष देगा 46,000 रुपए। लास्ट एंट्री इसकी, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम द 40,000 फ्रॉम द रेलवे ऑथराइजेशन फुल सेटलमेंट। अब वही जो मैंने कहा था ना, 50,000 का जो क्लेम देगा, क्लेम 50,000 की जगह स्वीकृत हुआ कितना, ओनली 40,000, तो हमें नुकसान हो गया 10,000 रुपये का। तो एंट्री देखो, हमें जो पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट, लो प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो डेबिट टू रेलवे क्लेम्स। बैंक से मिला हमें 40,000 रुपये, 10,000 रुपये का हमें नुकसान हुआ 50,000 रुपये। इस वाली एंट्री को सेम लॉस बाय फायर की तरह, ये एंट्री लॉस बाय फायर टू परचेज होता तो इंश्योरेंस कंपनी देती है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर क्लेम वाली क्या होती है, डेबिट होती है, यहाँ पर क्रेडिट हो जाती है। कितना मिला, पूरा मिल जाता 50,000, तो पीएनएल देता नहीं, अब पीएनएल को 10,000 का नुकसान देना पड़ेगा। देयर इज द टोटल ऑफ दिस एंड टोटल सर 8,60,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर लेसन। देखिए प्लीज आप अपने होमवर्क की तरफ, टोटल 30 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने कंप्लीटेड अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है, संडे आएगा ठीक है ना, तो संडे को आप कंप्लीटेड कर लिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू टिल एंड इन फेयर नोटबुक, इफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द प्लीज कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।